अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी, पूर्व मुख्यमंत्री सम्मानित अशोक गहलोत साहब, अविनाश पांडे जी, विवेक बंसल जी, चित्तौड़ से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जाड़ावत साहब, आंजना जी, प्रकाश चौधरी जी, विधोड़ी साहब, आनंदीराम जी, मांगीलाल दाकर जी हमारे जिले के अध्यक्ष, श्री माली जी इंटाक के अध्यक्ष, त्रिलोकचंद जाट साहब, मंचासीन सभी नेतागण, नौजवान दोस्तों, आदरणीय बुजुर्गों, माताओं और बहनों, 7 तारीख को राजस्थान में विधानसभा के चुनाव हैं और आज इस मैदान में राहुल गांधी जी आप सबको संबोधित करने के लिए आए हैं। मैं चाहता हूं कि आप जोरदार तालियां बजाकर राहुल गांधी जी का चित्तौड़ में स्वागत करें। ये वो महान वीर नगरी है जहां के इतिहास और वर्तमान पर हम सब लोगों को बहुत गौरव है। 5 साल तक वसुंधरा जी की सरकार रही, प्रत्येक वर्ग को हर क्षेत्र में निराशा और नाराजगी फैली रही, महंगाई आसमान छू रही है। वसुंधरा जी ने 5 साल तक लोगों के साथ जो वादे किए थे उनमें से किसी को निभाने की कोशिश भी नहीं करी और आज जब 5 साल पूरे हो गए तो सरकारी खर्च पर गौरव यात्रा निकाल रही थी, वो तो हाईकोर्ट ने पाबंदी लगाई तो गौरव यात्रा की हवा निकल गई, ना यात्रा पूरी हुई ना उनकी बात पूरी हुई। आज 5 सालों से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मिलकर, नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने चित्तौड़ की, राजस्थान की तमाम जनता की मांगों को लेकर सड़कों पर आंदोलन किए, प्रदर्शन किए और हर वर्ग को सुरक्षित करने का काम, सरकार की टेढ़ी नजर से बचाने का काम हमारी पार्टी कार्यकर्ता और नेताओं ने किया है। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जो बरगलाने में, जुमले देने में, झूठे वादे करने में इस हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया में नंबर एक के लोग हैं, उनसे बचकर रहना है और 7 तारीख तक इन लोगों की बातें सुनते रहो। अभी अमित शाह साहब राजस्थान बहुत आ रहे हैं, यहां पर आकर बोला कि बीजेपी अंगद का पैर है। मैंने कहा अमित शाह साहब आपको गलतफहमी है, आप इस प्रदेश को नहीं जानते, ये राजस्थान पाप की लंका नहीं है, ये पवित्र धरती है, ये चित्तौड़ वीरों की भूमि है, किस अंगद के पैर की बात कर रहे हो। उधर योगी साहब आते हैं जो 22 दिन से उत्तर प्रदेश ही नहीं गए, वहां के मुख्यमंत्री हैं लेकिन 22 दिन से चक्कर काट रहे हैं राजस्थान मध्य प्रदेश के वोट मांगते हुए और देवी देवताओं की, भगवान हनुमान की जाति बता दी, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। लेकिन साथियों हमारा मुद्दा किसान और नौजवान है जिसके बारे में राहुल गांधी जी आपको बताएंगे। जिस तरह बीजेपी ने धोखा दिया इस देश प्रदेश के नौजवान किसानों को, भ्रष्टाचार में डूबी हुई है सरकार, इसका पतन करना बहुत जरूरी है लोकतंत्र के लिए, भविष्य के लिए, नौजवानों के लिए। मैं चित्तौड़ के तमाम जिले के लोगों से, मतदाताओं से आग्रह करना चाहता हूं कि हमें सारे भेदभाव बुलाकर बीजेपी कोशिश करेगी जाति, धर्म, मंदिर, मस्जिद की बात करने की, उन सब बातों को भूल जाओ, एक सुनहरे भविष्य के लिए, एक नए राजस्थान के निर्माण के लिए, एक नई शुरुआत के लिए राहुल गांधी जी के आह्वान पर, इस हाथ के निशान पर बटन दबाकर भारी बहुमत से हमारे प्रत्याशियों को जिताइए। हम आपसे आग्रह करने के लिए हाजिर हुए हैं कि कांग्रेस पार्टी ने जो वादे किए हैं अपने घोषणा पत्र में उन सभी को हम लोग निभाएंगे। वसुंधरा जी ने 5 साल तक महलों में रहकर फरमान जारी करने का काम किया, अब समय आ गया है बहनों और भाइयों, 7 तारीख को सिर्फ बटन दबाना है, बाकी काम कांग्रेस के लोग सरकार बनाने के बाद करेंगे। एक प्रण लेकर जाना इस मैदान और इस मिट्टी के बाद, इस मीटिंग में बोलना पड़ेगा कि वसुंधरा जी आप और आपकी सरकार का बोरिया बिस्तरा बंद कर गंगा जी बहा दो और यहां पर कांग्रेस की सरकार बना दो। मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं, आप दूर से आए हो और आप राहुल गांधी जी को सुनोगे, आप सबका धन्यवाद। परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना कि आप लोग खुश रहो, मुस्कुराते रहो, हमेशा हंसते रहो, भगवान आपको बहुत आशीर्वाद दे। जय हिंद, राम राम सा।